तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि अपने एमबी को दूसरे सिम में कैसे मतलब शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आपका एमबी एयरटेल का हो या जियो हो या वोडाफोन हो, कोई भी कंपनी है दोस्तों, किस प्रकार से शेयर करना है, वीडियो को एंड तक बने रही। आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं कि किसी भी डेटा को कहीं पे शेयर करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपके पास एयरटेल का सिम है तो दोस्तों SMS में जाइए। SMS में जाने के बाद वहाँ से आप 1 to 1 पे SMS करना है दोस्तों, और जिस नंबर पे सेंड करना है उस नंबर को, जहाँ पे मैसेज आप टाइप करते हो वहाँ पे मैसेज टैप में उस नंबर को टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों 1 to 1 पे आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि उधर से एक आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को जैसे उस नंबर पे ओपन कीजिएगा, उसके बाद आपके मतलब मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको कितना MB शेयर करना है उस SMS के थ्रू आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और आपके MB से आपके बैलेंस से जो भी MB होगा वो कट के उस मोबाइल में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको चले जाना है इनबॉक्स में। इनबॉक्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से क्रॉस मैसेज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कोई भी यहाँ पे मतलब 1 to 1 पे आपको शेयर करना है तो 1 to 1 डाल दीजिए। यहाँ पे जिस भी नंबर पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, आप 10 नंबर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी। दोस्तों, जब 10 नंबर आपको पूछ जाता है तो यहाँ से शेयर पे देखिए, जो दोस्तों तीर का निशान दिख रहा है, एक नंबर सिम से आपको शेयर करना है या 2 नंबर से, यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद देन दोस्तों आपके पास एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को ओपन करने के बाद दोस्तों तुरंत आप उस डाटा को शेयर कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी कंपनी के MB या डाटा ट्रांसफ़र करने को सीखना है या जानना है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा कि उस चीज़ पे मैं वीडियो बना के आप लोगों को अवेलेबल कर दूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आई होप ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।